Hello everyone, this is Bhupendra here and today we will be discuss about chapter 4 of class 7 and chapter name is simple equations. अभी तक आपने जो पढ़ा था वो आप simple चीज़ें पढ़ रहे थे, जैसे plus पढ़ा होगा आपने, है ना, जिसमें 4 plus 1 this is called addition, अगर आप कर लोगे 5 minus 1 this is called सब्ट्रैक्शन, 4 into 1 दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन, देन व्हाट इज इक्वेशन. अगर हम किसी नंबर्स को इस तरह से लिख दें जिसमें आपको एक वेरिएबल और एक नॉन वेरिएबल हो, जैसे x प्लस 3, तो x प्लस 3 इसमें x एक वेरिएबल है, वेरिएबल मीन्स x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और 3 जो होता है वो नॉन वेरिएबल है, यानी कि 3 फिक्स है, इसकी वैल्यू हमेशा 3 ही रहेगी. तो अब अगर हम किसी भी अल्फाबेटिकली को इस तरह से किसी नंबर्स के साथ लिखते हैं तो वो वेरिएबल कहलाता है. लेकिन अभी भी ये एक्स इक्वेशन नहीं बोली जाएगी, क्योंकि एक्स प्लस 3 इज ओनली एन एक्सप्रेशन. तो ये इक्वेशन कब बनेगी? तो इक्वेशन के लिए आपको जब भी कहीं भी इक्वल का साइन दिखाई पड़ जाए तभी ये बनती है जाके इक्वेशन. ओके ना, इक्वेशन तभी होगी जब आपको उसमें इक्वल का साइन दिखता होगा. नाउ दिस इज इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन की फॉर्म में है. इसमें देखिए आपको एक वेरिएबल मिलेगा और एक नॉन वेरिएबल मिलेगा, इक्वल का साइन भी मिलेगा, और इसके अलावा आगे कुछ वैल्यू भी दी होगी. तो इस टाइप से आपको कोई भी एक्सप्रेशन दिखे वो आपका इक्वल यानी कि इक्वेशन कहलाएगा. ऐसे आप और भी इक्वेशंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसे 2x प्लस 3 इक्वल 7, दिस इज आल्सो अ इक्वेशन. नाउ आप अलग से अपने और एग्जांपल्स देंगे, जैसे आप खुद लिख सकते हो 4x प्लस 10 इक्वल टू 100, दिस इज आल्सो एन इक्वेशन. ऐसे ही अगर हम चाहें तो इसको फ्रैक्शंस के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 1/4x प्लस 8 इक्वल टू 3, दिस इज आल्सो एन इक्वेशन. अब बात करते हैं नए टॉपिक की, जिसमें हम सीखेंगे फॉर्मिंग ऑफ इक्वेशंस. तो उम्मीद करता हूँ कि आप इक्वेशंस के बारे में तो समझ ही गए होंगे, सिंपली इक्वेशन होती क्या है. इक्वेशन में एक वेरिएबल और नॉन वेरिएबल शामिल होते हैं, और साथ ही साथ इक्वल का साइन भी होगा. समझ गए ना? तो बात करते हैं फॉर्मिंग इक्वेशंस की. फॉर्मिंग इक्वेशन में आपको एक स्टेटमेंट्स दिए होंगे, स्टेटमेंट के बेसिस पे हमको इक्वेशन बनानी होती है. तो कैसे करके बनाते हैं? स्टेटमेंट आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, जैसे उसमें लिखा होगा कि आपका दो आपके कोई टू नंबर्स का ऐड जो है वो 10 होगा, जिसमें से एक नंबर अगर 5 हो तो दूसरा नंबर फाइंड कीजिए. इस तरह से स्टेटमेंट होते हैं जिसको आप पहले इक्वेशंस के रूप में लिखते हो, फिर उसको आप फाइंड आउट करते हो. इसमें आपका सम ऑफ के रूप में भी दिया होता है, अगर सम दिए होंगे तो आप वहाँ पर प्लस करोगे, अगर डिफरेंस ऑफ दिया होगा तो उन दोनों के बीच में आप डिफरेंस करोगे, इक्वल का साइन लगा के उसका रिजल्ट लिख लोगे. इसी ही साथ साथ आपको प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई भी लिखा होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इस तरह से अगर दिया हो तो वहाँ पे आप मल्टीप्लाई लगाते हो. अब चूंकि मल्टीप्लाई का साइन आप लगाओ या ना लगाओ इससे फर्क नहीं पड़ता, जैसे अगर यहाँ पे हम 2x लिखें तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब हुआ 2 × x. अगर आपको लिखा जाए कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स का मतलब हो जाएगा कि उनका मल्टीप्लाई करा रहे हैं, जैसे कि 3x मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. ठीक हो गया. अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइम्स. तो टाइम्स भी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही या उसी की तरह ही होता है, यहाँ भी आप मल्टीप्लाई ही कराते हो, जैसे 2 × 3 × 6 × तो ये आपका मल्टीप्लाई में ही आता है. अगर आपसे कह दें कि किसी वेरिएबल का 6 times कोई नंबर 8 है तो आप क्या करोगे, 6 times का मतलब 6 × x
इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। तो आपसे पूछा जाए कि वैल्यू आप एक्स की निकालो, तो आराम से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये 6 नीचे इसके पहुंच जाएगा और हमें वैल्यू मिल जाएगी। सेम इसी तरह से आपको फ्रैक्शंस के रूप में भी मिल सकता है। जैसे आपसे कहा जाए कि कोई वेरिएबल जो है, कोई एक नंबर है वो 1/4 है, किसी नंबर का 1/4 इस टाइप से होगा आपका, किसी नंबर का 1/4, तो वो नंबर हमारा एक्स हो जाएगा जो किसी नंबर की बात कर रहे हैं। तो किसी नंबर का 1/4 आपका 8 है, तो एक किसका आंसर मतलब होगा कि आप इसको इक्वेशंस में जब सेम तरह से फॉर्मिंग करोगे तो एक्स का 1/4 इक्वल टू 8 इस टाइप से बन जाएगा। अगर आपसे कहें कि किसी वेरिएबल का 2, 3 इक्वल है 7 के, तो आप क्या करोगे, ऐसे करके लिखोगे 2/3 और यहाँ पे नंबर एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 7। यानी जो भी दिया होगा उसको आप पहले इस तरह से फ्रैक्शन रूप में रिप्रेजेंट कर लोगे, उसके बाद में उसका इक्वल करके जो रिजल्ट दिया होगा वो लिख लेंगे। आई होप आप फॉर्मिंग के बारे में आगे क्वेश्चन कर पाओगे। तो सिंपल है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सम ऑफ अगर दो नंबर्स के बीच में दिया होगा तो आप वहाँ पे प्लस कर लोगे, अगर डिफरेंस ऑफ दिया होगा तो उन नंबर्स के बीच में आप माइनस लगाओगे, और अगर प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई की बात करेंगे तो वहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे दो नंबर्स के बीच में। कभी कभी टाइम्स भी दिया होता है तो भी बात होती है, टाइम्स में भी आप उसका उस मल्टी नंबर से वेरिएबल का मल्टीप्लाई करा लोगे। फ्रैक्शंस में आपका किसी भी वेरिएबल का वो पार्ट बताते हैं, जैसे 1/4 पार्ट या 2/3 पार्ट या 3/2 पार्ट, तो इस तरह से आपको अगर दिया होगा तो आप क्या करोगे उसको ऐसे लिख लोगे जो फ्रैक्शन के रूप में लिखा जाएगा। तो चलते अपने नए टॉपिक की ओर। नया टॉपिक हमारा है पुटिंग वैल्यूज। पुटिंग वैल्यूज में आपको क्या करना होता है, आपके सामने कुछ वैल्यू दी होती हैं वेरिएबल्स की, अब उसमें आपको एक इक्वेशंस दी होगी, अब वो नंबर्स जो होते हैं, जो वैल्यू दी होती हैं उनको आपको इस वाली इक्वेशंस में पुट करके देखना होगा और वेरीफाई करना होगा कि सच में ये जो नॉन मतलब जो वेरिएबल है उसका कौन सा नंबर सही है, इससे हमें वेरीफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दो नंबर दिए हुए हैं एक्स के, और ये हमारी इक्वेशंस है, तो एक्स की इसमें से कौन सी वैल्यू रखी जाए जिससे कि हमारे इक्वेशंस वेरीफाई हो जाए, यानी कि दोनों साइड्स के जो वैल्यूज हैं वो इक्वल हो जाए, यानी कि रिजल्ट इक्वल आ जाए। तो अब देखिए इस इक्वेशंस में दो साइड्स होती हैं, एक ये साइड और एक ये वाली साइड, तो इधर वाली साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS बोलते हैं, और इस वाली साइड को, हाँ जी आपके हाथ की इस वाले हाथ को राइट हैंड साइड ही तो बोलते हैं, तो ये हमारा RHS हो जाएगा, ठीक है ना। अब कैसे करके इसको पुटिंग करेंगे, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में इस वैल्यू को रख देंगे, तो अगर वो 8 आएगी तो इसका मतलब वो वेरीफाई हो रहा है। तो x की वैल्यू हम 2 रखेंगे, तो जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ लिखेंगे 2+4, तो 2+4 कितना हो जाता है 6, यानी कि ये वैल्यू इस इक्वेशंस को वेरीफाई नहीं करता है, तो इसका मतलब हुआ x इक्वल टू 2 इसके लिए फिट नहीं बैठता, यानी कि ये इसकी वैल्यू नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे वाले नंबर की, अगर हम x इक्वल टू 4 रखें तो क्या नंबर आता है हमारा, तो हम यहाँ चेक करके देखते हैं x की जगह पे 4+4 और इन दोनों की वैल्यू जो होगी वो 8 आएगी, यानी कि ये वाला नंबर सही है, तो हम कह सकते हैं इस इक्वेशंस के लिए x इक्वल टू 4 होगा। इस तरह से हम पुटिंग वैल्यूज किसी इक्वेशंस में रख के सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं हम नए टॉपिक की ओर, और हमारा नया टॉपिक जो है वो हिट एंड ट्रायल मेथड है। हिट एंड ट्रायल मेथड भी सेम पुटिंग वैल्यू की तरह होता है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि आपको पुटिंग वैल्यू में नंबर्स की वैल्यू दी होती है, यानी कि वेरिएबल्स की वैल्यू दी होती है, आप उसको उठा के ही रखते हो, लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड में आपको किसी भी प्रकार की वैल्यू दी नहीं होती है, आप अपनी तरफ से उसको लगा के सॉल्व करके देखते हो, ठीक है। तो अब हम इसमें इस जो यहाँ पे हमका नॉन वेरिएबल एक्स दिख रहा है ना, सॉरी यहाँ वेरिएबल जो एक्स है उसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करें कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे करके, तो हम फाइंड करके देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पे वैल्यू रख के देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम शुरू से, यानी कि छोटे नंबर से। तो यहाँ हमारी जो इक्वेशंस है 3x+5
इक्वल टू 11, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो इसका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा ये 3x प्लस 5, ठीक है। अब अभी हम यहाँ पे 11 को छोड़ देते हैं, यहाँ पे हमें 11 फाइंड करना है। तो यहाँ पे x इक्वल टू हम पहले रखते हैं 1, तो देखते हैं कि क्या हमारी 11 आती है। तो 3x की जगह पे 1 लग लेंगे और प्लस का 5, सॉल्व करेंगे इसको तो 3 1 3 प्लस 5, और 3 और 5 कितना होता है, 3 और 5 8, और यहाँ पे आ कितना रहा है 8 और चाहिए हमको 11, यानी कि x इक्वल टू 1 रॉन्ग है, यानी कि हमें और कोई दूसरा नंबर ट्राई करना होगा। तो सेकंड नंबर ट्राई करके देखते हैं, यहाँ पे सेकंड नंबर x इक्वल टू 1 तो हमने ले लिया, जो कि x इक्वल टू 1 हमारा सही नहीं था। अब x इक्वल टू 2 लेके देखते हैं, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशंस की वो हो जाएगी 3x प्लस की 5, तो 3 इंटू एक्स की जगह पे 2 लगा के देखेंगे तो 2 प्लस 5, 3 2 जो होता है 6 प्लस 5, और 6 और 5 हो जाता है 11, यानी कि x इक्वल टू 2 हमारा वेरीफाई हो रहा है और यहाँ पे x की वैल्यू जो होगी वो 2 ही होगी। तो दिस इज योर हिट एंड ट्रायल मेथड, आप चेक करोगे अपनी तरफ से, यहाँ आपको वैल्यू नहीं दी होंगी। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 2 हो जाएगा, दिस इज आंसर। तो इस तरह से आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा, इसी तरह से आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, आज के होमवर्क में भी आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको समझ ना आए हो तो आप दोबारा से फिर से वीडियो को देख सकते हो और आप समझ जाओगे और आज का होमवर्क कर पाओगे। तो अगले वीडियो के लिए आप कल तक वेट कीजिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।